अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। और हमने मेडिकल फिजिक्स में वैसे अब तक जो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं उसमें हमने सबसे पहले एटम की बात की थी कि एटम क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट को आप एटम कहते हैं और उसमें क्या क्या अंदर प्रेजेंट होता है, एटम के स्ट्रक्चर देखा था हम लोगों ने। उसमें हमने देखा कि उसमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स जो हैं वो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। उसके बाद हमने इसमें आगे देखा कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हमने ये पढ़ा कि करंट का जो फ्लो है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रैवल करता है, तो उसको आप इलेक्ट्रॉन फ्लूइड थ्योरी की ये स्टेटमेंट थी। उसके अलावा जो कन्वेंशनल करंट या वन फ्लूइड थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन की करंट का जो फ्लो होता है वो किस तरह से होता है, तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। ये पुरानी थ्योरी थी, इसको अब जो है रिप्लेस कर दिया गया है इलेक्ट्रॉन थ्योरी से। फिर उसके बाद हमने इसमें कुछ चीज़ें पढ़ी कि स्टैटिक करंट क्या होता है। स्टैटिक करंट हमने पढ़ा कि स्टेशनरी जो है वो करंट या स्टेशनरी जो है करंट के फ्लो को आप कहते हैं कि ये स्टैटिक करंट है। उसके बाद हमने स्टैटिक करंट के अलावा इसमें हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है और चार्जिंग कैसे होती है बाय कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन के मेथड्स कुछ थे। तो उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का भी पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होती है। तो ये जो होती है स्पेस या रीजन अराउंड द चार्ज बॉडी को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहते हैं। और उसके अलावा इसमें आपके पास चार्जिंग आ जाती है, जिसमें चार्जिंग में आपके पास आ जाते हैं फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। फ्रिक्शन का अगर हम मेथड देखें तो उसमें हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि फ्रिक्शन से किस तरह से चार्जिंग होती है। तो उसमें फॉर एग्जांपल आपने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, उसको आप रब करते हैं या कोई क्लोथ का पीस ले लेते हैं, आप उसको रब करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसको बाद में जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के पास लेकर जाएंगे तो सपोज़ आपने पीसेज ऑफ पेपर के पास उसको लेकर जाएंगे तो वो जो है उन पीसेज ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और उस पर चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। उसके बाद था चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में ये था कि विदाउट जो है ना आप कह लें कि आपने एक ऑब्जेक्ट को चार्ज कर लिया, उसके बाद जो है उसको आप किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट के जो है मतलब सराउंडिंग में कहीं प्लेस कर दें लेकिन उनके दरमियान में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, तो उसको आप कहेंगे ये चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड है। उसके बाद आपके पास तीसरा आ जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में ये था कि डेवलपमेंट ऑफ चार्ज ऑन एनी बॉडी विदाउट एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज़, तो उसको आप चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चार्ज की किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट पे होती है, तो वो था यूनिफॉर्मली जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट आपको मिलता है चार्ज, और उसके अलावा आपको ऑन द सर्फेस जो है वो यूनिफॉर्म उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है। फिर उसमें बिहेवियर ऑफ लाइक और अनलाइक चार्जेस हमने देखा कि बिहेवियर किस तरह का होता है चार्जेस का, कि अगर आप दो सेम चार्जेस वाले ऑब्जेक्ट्स को आपस में क्लोज़र लेकर आएंगे तो क्या होगा कि उनमें रिपल्शन एक क्रिएट होगी और वो एक दूसरे से डिस्टेंस पे हो जाएंगे। और उसके अलावा जो अनलाइक चार्जेस हैं, अगर एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है एक आपके पास नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों को जब आप कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो वो जो है आपस में अट्रैक्शन फोर्स उनके दरमियान में डेवलप हो जाएगी, तो उसको आप कहेंगे कि अनलाइक चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और लाइक चार्जेस जो हैं उनमें रिपल्शन होती है। फिर हमने पढ़ी है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होती है, तो उसको कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इन वन ऑब्जेक्ट बाय अनदर ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज़। उसके बाद था अट्रैक्शन फॉर लाइट ऑब्जेक्ट्स, उसमें ये था कि चार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। देन हम अगर बात लास्ट टॉपिक जो भी था हमारा, उसमें हमने लास्ट में ये बात की थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होती है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमने पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो वो है रीजन अराउंड एनी चार्ज ऑब्जेक्ट को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड कहते हैं। उसके बाद उसी चार्ज ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में कुछ प्रॉपर लाइंस ऑफ फोर्सेस डेवलप होती हैं जो एक्सटेंड करती हैं आउटवर्ड्स और स्ट्रेट, तो उसको आप कहते हैं, जैसे ये है एक ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट है और
ये कुछ लाइंस जो हैं एक्सटेंड कर रही हैं बाहर की तरफ, तो इन लाइंस को आप कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। फिर उसकी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो हमने पढ़ा था कि ये ट्रैवल करती हैं इन स्ट्रेट लाइन, ये इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है। सेकेंड ये कि ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जो है ट्रैवल करती हैं, और थर्ड ये कि शेप पर डिपेंड करता है और चार्ज ऑब्जेक्ट के कि वो किस तरह से उनकी डायरेक्शन होगी। अगर दो ऑब्जेक्ट्स को आप क्लोज लेकर आए हैं तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डेवलप ट्रैवल करेंगी, और क्या होगा कि पेरिफ्री या एजेस की तरफ से ये ज़्यादा जो है वो आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन उनकी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल रीजन या पोर्शन। उसके अलावा उन्होंने बताया था कि अगर आप कंडक्टर में बात करते हैं, कंटेनर में आपके पास कंडक्टर है, तो उसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सीधी ट्रैवल करती हैं इन स्ट्रेट लाइन, तो उस ये भी उसकी प्रॉपर्टी आ गई। उसके बाद ये जो हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे को, तो ये हमारा अब तक का जितना हमने मेडिकल फिजिक्स में पढ़ा है ये एक छोटी सी रिवीजन थी या रिकॉल करा दिया मैंने आपको कि अभी तक हम क्या क्या कॉन्सेप्ट्स या क्या क्या टॉपिक्स इसमें कवर कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। अब कैपेसिटर एक ऐसा आप कह लें कि ऑब्जेक्ट है, या आप कह लें कि एक ऐसा मटेरियल है जिसमें आपके पास दो टू सेट्स ऑफ प्लेट्स होती हैं। इसको आप कह लें ये प्लेट ए है और ये आपके पास है प्लेट बी, और दरमियान में जो है एक इंसुलेटिंग मटेरियल प्रेजेंट होता है, या मीडियम आप कह लें, इंसुलेटिंग मीडियम और मटेरियल विच इज़ नोन एज, या कॉमनली जो है यूज़ जो किया जाता है वो होता है आपके पास डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, ये इस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। और ये क्या करता है, कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखती है। तो अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर चार्ज इज़ कॉल्ड कैपेसिटर। इसकी कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दी। और डाइइलेक्ट्रिक जो है वो बेसिकली एक इंसुलेटर है, और इंसुलेटर क्या करता है कि इंसुलेटर में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फर्मली हेल्ड मिलते हैं आपको, कि मतलब उनकी लूज अरेंजमेंट नहीं होती है, वो इजीली जो है इलेक्ट्रॉन्स उससे रिमूव नहीं किए जा सकते, इसीलिए इसके अंदर करंट फ्लो आपको ज़ीरो मिलता है या करंट फ्लो नहीं मिलता। इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि कैपेसिटर जो है उसमें चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है, लेकिन उसमें करंट फ्लो आपको नहीं मिल सकता जब तक आप उसको किसी सर्किट में ना लगाएं। फिर उसके बाद कैपेसिटर की ही अगर हम बात करें, तो कैपेसिटर को आप उसका ये फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन ए ओवर डी। इसमें जो एप्सिलॉन है वो है ई आर, प्रोडक्ट ऑफ ई आर एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट या ज़ीरो। तो एप्सिलॉन नॉट जो है ये है आपकी वैक्यूम परमिटिविटी, कि वैक्यूम में से वो कितना उसको इजीली अलाउ करता है टू पास, किसी भी करंट को पास करने की कितनी कैपेबिलिटी है उसमें, या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को जो है वो किस तरह से प्रमोट कर रहा है, पास करने में हेल्प कर रहा है। और ये जो एप्सिलॉन आर है वो आपके पास है रिलेटिव डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या आप हाल ही कह लें डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आपके पास आ गया एरिया, और ये है आपके पास डायमीटर। तो ये आपके पास इसका फॉर्मूला आ जाता है सी इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन ए इनटू ए डिवाइडेड बाय डी। तो एप्सिलॉन इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एप्सिलॉन आर एंड एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर स्टैंड्स फॉर रिलेटिव डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट की आपको वैल्यू मिलेगी, उसकी एक स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू होती है। और एप्सिलॉन नॉट जो है वो आपके पास वैक्यूम परमिटिविटी होती है, कि किसी भी मीडियम में से वो उसमें कितनी कैपेबिलिटी है कि वो उसको अलाउ करें टू पास। फिर उसके बाद इसकी अगर हम कम्बिनेशन की बात करें, या इसको जब हम सर्किट में लगाएंगे, तो उसमें आपके पास दो तरह के आ जाते हैं। एक होता है पैरेलल सर्किट या पैरेलल, और दूसरा आपके पास है सीरीज़ कम्बिनेशन या सीरीज़ सर्किट। तो सबसे पहले हम पैरेलल की बात करेंगे।
तो पैरेलल में अगर आप देखें, ये इस तरह से आपको सर्किट मिलेगा कि आपने डिफरेंट कैपेसिटर्स को जो है पैरेलल अरेंजमेंट में लगाया है, या आपके पास आ गया C1, C2, C3 एंड C4, और आपके पास इसमें आ जाएगा ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, ये इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, I स्टैंड्स फॉर करंट फ्लो, और इसको जब हम ऐसे सर्किट में लगाएंगे पैरेलल उसमें, तो इसमें ये होता है कि करंट जो है हर पॉइंट पे आपको डिफरेंट मिलेगा करंट फ्लो, और जो आपके पास वोल्टेज है वो जो है वो थ्रू आउट द सर्किट आपको सेम मिलेगी। वोल्टेज क्या होता है? पोटेंशियल बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स। तो आप इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास है सी इज़ इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी आपके पास वैल्यू है 2, इसकी 4, इसकी 6 और इसकी 8। तो आप इस फॉर्मूला से उसका जो है कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ये आपके पास 20 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको इस तरह भी फॉर्मूला इसका लिख सकते हैं, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सम, पी स्टैंड्स फॉर पैरेलल, P इज़ इक्वल टू 1 और यहाँ पे CP। उसके बाद अगर हम सीरीज़ कम्बिनेशन की बात करें, सीरीज़ कम्बिनेशन में आप उसको इस तरह से लगाएंगे कैपेसिटर को, और C1, C2, C3, C4, V1, V2, V3, V4, उसमें हमने पढ़ा था पैरेलल कम्बिनेशन में कि जो करंट है वो हर पॉइंट पे आपको डिफरेंट मिलेगा करंट फ्लो, लेकिन वोल्टेज जो है वो आपको सेम मिलेगी थ्रू आउट द सर्किट। इसमें उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, इसमें आपको करंट फ्लो जो है वो सेम मिलेगा थ्रू आउट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किट, और वोल्टेज जो है वो आपको डिफरेंट मिलेगा। अब अगर हम इसकी बात करें, इसको इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास आ जाता है सी इज़ इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। तो अगर वही वैल्यूज़ हम पुट करें 2, 4, 6, 8, तो ये आपके पास 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8। तो इसकी आपके पास आ जाएगी LCM निकाल के आप जो भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो इसका आंसर आ जाएगा। या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला आपके पास होता है सी इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू सम, S स्टैंड फॉर सीरीज, S इज इक्वल टू 1/CS और माइनस पावर 1। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कैपेसिटर किस किस तरह की हो सकती हैं। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की अगर बात करें तो उसमें तीन तरह के आ जाते हैं। सबसे पहला है पैरेलल कैपेसिटर, जो भी हमने पढ़ा है, जो जनरल कैपेसिटर आपके पास होता है। सेकंड है आपके पास स्फेरिकल, और थर्ड है आपके पास वेरिएबल। पैरेलल की यही आपके पास एग्जांपल है, दो प्लेट्स आप लोगों ने लगाई, बीच में डाई इलेक्ट्रिक है, तो ये पैरेलल कैपेसिटर है। और आपके पास जो है स्फेरिकल कैपेसिटर, एक प्लेट इस तरह, एक प्लेट इस तरह, और इसके बीच में जो है आपके पास डाई इलेक्ट्रिक या मेटल प्लेट आप रख दें, तो वो ये आपका स्फेरिकल टाइप ऑफ कैपेसिटर आ जाएगा। वेरिएबल कैपेसिटर ये है कि इसमें आपके पास क्रॉस सेक्शन जो है, क्रॉस सेक्शनल में आप, मतलब कि ये आपके पास है
एक नॉब फिक्स्ड है, ये जो नॉब है वो मूवेबल है, या इधर से आप रोटेट कर सकते हैं, तो इसको रोटेटर भी कहेंगे। अब एक ये प्लेट, एक ये प्लेट, और बीच में आपने लगा दिया डाइलेक्ट्रिक, या तो क्या होगा कि रोटेटर से जब आप रोटेट करेंगे तो उसकी जो है कैपेसिटी वगैरह वो वेरी करती रहेगी, करंट और वोल्टेज वेरी करेगा, तो उसको आप कहते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। ये जो है वेरिएबल कैपेसिटर जो टाइप है वो रेडियो सेट्स वगैरह में, इसकी जैसे हमने रेडियो में पढ़ा हुआ है, शायद आप लोगों को पता होगा फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग होती है, तो रेडियो सेट्स में जो है फ्रीक्वेंसी वेरी की जाती है उसकी ट्यूनिंग के लिए और क्लियरर वॉइस के लिए। और दूसरा ये शॉर्ट वेव डायथर्मी में जो है वो आपको प्रेजेंट मिलता है। उसके बाद इसका यूनिट अगर हम बात करें, कैपेसिटर का यूनिट क्या होता है, कैपेसिटर का यूनिट आपके पास है फैरड, और टोटल जो है वो एनर्जी स्टोरेज उसमें कितना हो सकता है उसका वो आ जाएगा। इसमें चार्ज जो है स्टोर जो कैपेसिटर अपने अंदर करता है वो बिटवीन प्लेट्स के अंदर उसका स्टोर होता है चार्ज, नॉट इन द डाइलेक्ट्रिक या नॉट इन द मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स। उसके बाद अगर हम कैपेसिटी को डिफाइन करें तो कैपेसिटी होती है एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, जो कि फैरड में मेजर की जाती है। फैरड यूनिट जो है इज इक्वल टू कूलम डिवाइडेड बाय वोल्टेज। उसके बाद आपके पास इसमें आ जाता है फैरड को, फैरड की डेफिनेशन क्या है, कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट बाय 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट to charge by 1 charged to a volt potential of 1 volt by 1 coulomb electricity। तो फैरड क्या है, कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट बाय 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, रेशियो ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर विद द मटेरियल एज डाइलेक्ट्रिक टू द कैपेसिटी ऑफ सिमिलर कैपेसिटर विद ड्राई एयर एज डाइलेक्ट्रिक। मतलब कि आप कह लें रेशियो है ये, एक आपने कैपेसिटर लिया जिसमें आपने डाइलेक्ट्रिक जो है वो मीडियम ले लिया, तो उसकी कैपेसिटी आपने ले ली। एक आपने कैपेसिटर ऐसा लिया जिसमें आपने डाइलेक्ट्रिक को मीडियम नहीं रखा और आपने ड्राई एयर या वैक्यूम को वो मीडियम रखा, तो उसमें उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला आ गया। फिर कैपेसिटेंस जो है उसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो जिसकी वजह से कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज हो सकती है, तो उसमें आपके पास आ जाते हैं कैपेसिटेंस इंक्रीजेज विद सरफेस एरिया ऑफ प्लेट्स, ये इंक्रीज होगी विद इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ प्लेट्स, डिक्रीजेज विद स्पेसिंग बिटवीन प्लेट्स। अगर आप स्पेस बिटवीन बोथ प्लेट्स जो है वो कम या ज़्यादा करेंगे तो कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क आएगा, कि कैपेसिटेंस जो है वो आपकी डिक्रीज होगी। और अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो इंक्रीज होता है तो आपकी कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर है नेक्स्ट, इसमें हम पढ़ेंगे कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैसे होती है कैपेसिटर की। तो सबसे पहले है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब इसमें उन्होंने दो मेथड्स बताए हुए हैं कि एक तो आप डायरेक्टली उसको चार्ज कर सकते हैं और एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू।
वन डायरेक्टली डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट चार्जिंग, और सेकंड आगे पास आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हमने पढ़ा कि विदाउट कांटेक्ट जो है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में चार्ज डेवलप करना उसको आप कहते हैं। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जब आप इनको इन मेथड्स को यूज़ करेंगे फॉर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो उसमें क्या होगा कि एक वोल्टेज सेटअप हो जाएगा बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, और उसकी वजह से जो है उसमें कैपेबिलिटी प्रोड्यूस हो जाती है टू स्टोर चार्ज इन इट। उसके बाद इसमें हम देखेंगे कि कोलंबिक रिपल्शन का इसमें बताया हुआ थोड़ा सा, कि जो कोलंबिक रिपल्शन एक ऐसी फोर्स है कि वो उसका मतलब जो ऑलरेडी चार्ज जो है वो प्लेट्स पे डेवलप है उसको जो है वो रिपल्शन फोर्स एक क्रिएट कर देती है और मज़ीद चार्ज डेवलप होने नहीं देती। कोलंबिक रिपल्शन फ्रॉम द चार्ज ऑलरेडी ऑन द प्लेट्स क्रिएट्स एन अपोजिंग फोर्स टू लिमिट द एडिशन ऑफ मोर चार्ज ऑन प्लेट्स। और वोल्टेज क्या है, वोल्टेज जो है कैपेसिटर का वो इंक्रीज होगा जैसे जैसे चार्ज जो है वो प्लेट्स की तरफ जाएगा, और इनिशियली जो है वो आपकी चार्ज ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर वो आपको स्मॉल मिलेगी और आहिस्ता आहिस्ता वो रिड्यूस या इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद एबिलिटी टू ऐड चार्ज टू अ कैपेसिटर जो है वो डिपेंड किन किन फैक्टर्स पर करती है, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑलरेडी ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर और वोल्टेज ड्राइविंग द चार्ज टूवर्ड्स द प्लेट्स। फिर इसमें आ जाती है चार्जिंग का ग्राफ जो है वो आपको कुछ इस तरह से मिलता है कि इनिशियली आपके पास स्मॉल चार्ज, फिर आप कह लें कि आहिस्ता आहिस्ता ये इंक्रीज हुआ चार्ज, और फिर ये जो है वो पीक पे पहुंच जाएगा। तो ये आपकी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो गई। उसके बाद डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में CR टाइमिंग सर्किट्स यूज़ किए जाते हैं, जिसको आप CR टाइमिंग सर्किट्स इसकी ये एब्रीविएशन है कैपेसिटर रेजिस्टेंस टाइमिंग सर्किट्स। इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस को भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है सर्किट के अंदर, और ड्यूरेशन ऑफ मतलब कितनी देर में कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है वो डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर पे, और रेजिस्टेंस कितनी आपकी सर्किट की है उस पे डिपेंड करता है। और ये डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जो है वो मसल स्टिमुलेटिंग करंट्स में यूज़ किया जाता है, और ये शुरू में क्या होता है कि जब आप डिस्चार्जिंग स्टार्ट करते हैं तो चार्ज को रिमूव करना इजी लगता है, लेकिन बाद में जो है वोल्टेज जो है वो फैक्टर जो है कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स डिस्चार्जिंग, और जैसे जैसे वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होगा उसी तरह चार्ज जो है वो आपका रिमेनिंग चार्ज जो है उसको निकालता जाएगा प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर में से। फिर इसमें भी कोलंबिक रिपल्शन आ जाती है कि प्लेट्स पे जो कोलंबिक रिपल्शन जनरेट हो रही है उससे ये होता है कि वो पुश करता है टू रिमूव द चार्ज आउट ऑफ द प्लेट्स। तो जैसे ही वोल्टेज डेवलप हो जाएगा बिटवीन द टू प्लेट्स या डिफरेंट पॉइंट्स के अराउंड, तो कोलंबिक रिपल्शन क्या करेगी, जो ऑलरेडी प्लेट्स पे चार्ज प्रेजेंट होगा उसको पुश करेगी टुवर्ड्स आउटर साइड या उसको रिमूव कर देगी उसमें से। उसके बाद आपके पास आ जाता है डिस्चार्जिंग थ्रू इंडक्टर। इसको आप ऑसिलेटिंग करंट भी कह सकते हैं। इसमें ये होता है कि आपने इंडक्टर जो है वो बीच में लगा दिया सर्किट में। इंडक्टर क्या होता है, बेसिकली एक कॉइल आप कह लें, या आपके पास कैपेसिटर आ गया, ये आपके पास बीच में डाई इलेक्ट्रिक या मीडियम आ गया, ये आपके पास है इंडक्टर, एल स्टैंड्स फॉर इंडक्टर। और इसमें क्या होता है कि जब आप इसको सर्किट में ऐसे सीरीज़ में लगाते हैं तो जब आप स्विच ऑन करेंगे तो कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, यहाँ से डिस्चार्जिंग शुरू हो जाती है इंडक्टर से, और क्या होता है कि उसमें से चार्ज रिमूव होता जाता है। चार्ज पहले इस पर सारा आ जाएगा और फिर क्या होगा, EMF फोर्स जनरेट हो जाती है, उसकी वजह से क्या होगा कि कैपेसिटर जो है पहले फुली डिस्चार्ज होगा,
उसके बाद जो है जब ये कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज होगा तो इंडक्टर के ऊपर सारा चार्ज चला जाएगा, तो इंडक्टर जो है वो फुली चार्ज स्टेट में चला जाएगा। फिर क्या होगा, फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ इंडक्टर जो है वो डिस्चार्ज होके तो सारा चार्ज जो है वो कैपेसिटर पर शिफ्ट करना शुरू कर देगा। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का हमें मिलेगा, इस तरह आहिस्ता 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 ये ख़त्म हो रहा होगा चार्ज। तो इस टाइप के करंट्स को आप कहते हैं ऑसिलेटिंग करंट्स। और इसके जो है आपके पास ये क्यों प्रोड्यूस होता है, इसके तीन तरह की वो आप कह लें कि तीन वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा होता है। एक तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है। और ये क्या करती है कि एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अंदर जनरेट हो रही है फ्रॉम एनी नॉन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। और उसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें आ जाता है कि ये जो है सिर्फ लो रेजिस्टेंस सर्किट्स में जो है वो प्रोड्यूस होता है इस तरह का करंट। और ये जो है हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स में जो है वो मोस्ट कॉमन है। फिर आपके पास है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है कि मतलब आपने रेजिस्टेंस को वेरी किया तो उसमें आपको ये बताया हुआ है कि कैपेसिटर जो है ऑसिलेटिंग करंट में पहले चार्ज होगा फिर डिस्चार्ज होगा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जब ऑल्टरनेटिंग करंट की हाई होती जाएगी तो कैपेसिटर जो है वो अपनी जो है फुली चार्ज स्टेट में नहीं पहुँच पाता, ज़ीरो करंट स्टेट में ना फुली चार्ज स्टेट में पहुँचेगा ना ज़ीरो स्टेट में पहुँचता है। तो इसमें उन्होंने फिर बताया कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है उसको कैलकुलेट करने का आपके पास फॉर्मूला होता है 1/2λfC। ये सी स्टैंड्स फॉर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। और ये इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेते हैं इसका सर्किट जो है, ये आपके पास ये एसी सोर्स आ गई, ये अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, ये आपके पास है कैपेसिटर। तो जब ऑल्टरनेटिंग करंट देंगे तो क्या होगा कि ना वो अपनी फुली चार्ज स्टेट में पहुंचेगा ना वो ज़ीरो चार्ज स्टेट में पहुंचेगा, और अल्टीमेटली क्या होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस जनरेट होगी जिसको कैलकुलेट करने का आपके पास ये फॉर्मूला आता है 2πfC। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट टाइम हम जो है अब सर्किट्स या टाइप ऑफ सेल्स के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।